हेलो स्टूडेंट्स टुडेज वीडियो इज़ द पोएम अ बोइज सॉन्ग बाय द फेमस पोइट विल्सन गिब्सन दिस पोएम हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ आर बी एस सी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कंपल्सरी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सप्लेनेशन द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम साथ ही साथ हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में यूज हुई है एंड वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपके लिए न्यू होंगे सो लेट इज स्टार्ट द वीडियो about the poem if we talk about the poem a boy's song then this poem is wholly related to the freedom freedom of all natural beings nature ne sabhi beings ko free rehne ka adhikar diya hai but we the human beings hum sab kya karte hain hum unhe un pakshiyon ko un janwaron ko qaid kar lete hain यहाँ इस poem में poet ने emotional bond अपना जो है establish किया है एक भावनात्मक संबंध उन सभी पक्षियों उन सभी जानवरों से जो freely घूम रहे हैं वो पक्षी जो फ्रीली आसमान में उड़ रहे हैं एंड पोइट्स सेज कि क्योंकि वो उनको केज नहीं करता जाल में नहीं बनता उन्हें पिंजरे में नहीं रखता इसलिए वो सारे पक्षी उसके ना होकर भी उसी के और वो उन्हें देख बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी द पोएम एज वी कैन से एज वी कैन सी दै दिस इज ओनली थ्री स्टेंज पोए किसी भी तरह का कोई जाल नहीं डालता स्नेर इज एक जाल जो होता है एक नेट जो होता है जिसमें कि पक्षियों को पकड़ा जाता है केस भी कह सकते हैं हम यहाँ पिंजरा भी हो सकता है बट लीव देम फ्लाइंग फ्री वो इट से मैं उन्हें किसी पिंजरे में बंद नहीं करता बल्कि उन्हें आसमान में उड़ने देता ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी इसीलिए एयर के हवा के आसमान के सारे पक्षी मेरे हैं यानी अगर आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो वो सिर्फ एक पक्षी ही होता है जिस पर आपका अधिकार हो सकता है बट एक ऐसा इंसान जो किसी भी पक्षी को की आज़ादी को नहीं छीनता वो उन्हें आसमान में उड़ने देता है तो नेचर के सारे पक्षी उसी के हो जाते हैं वंस अगेन बिकॉज आई सेट नो स्नेर बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर बिलोंग टू मी द फर्स्ट एंज एपेक्ट्स द पोइट्स इमोशनल बॉन्डिंग हिस कि उसने किसी पक्षी के लिए जाल नहीं बुना किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं किया और वो उन्हें आसमान में फ्रीली उड़ने देता है इसलिए वो पक्षी जो हैं वो उसी के हैं फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट एंड केस द कम एंड गो फॉर माई डे लाइट ही ही इज़ गिविंग सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम बर्ड्स फ्रॉम वेरी स्मॉल बर्ड्स टू द बिगवंस ही सीज फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो ब्लू टिथ एक तरह का बर्ड होता है बच्चों जिसकी फोटो मैंने ऊपर दी है कि वो ब्लू टिथ जो कि स्लो स्लो एक ब्लैक थोन होती है कंटीली झाड़ी है जिस पर ब्लैक कलर की बेरी फ्रूट्स उगते हैं वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं इसकी भी फोटो आपको दी गई है स्लो की कि वो ब्लू टिथ बर्ड जो कि स्लो पर बैठता है टू द ईगल ऑन द हाइट उससे लेकर हाइट पर आसमान में उड़ने वाले ईगल तक ईगल जो है वो एक बड़ा बर्ड है अनकेज द कमेंट गो फॉर माई डिलाइट ईगल की फोटो भी यहाँ दी गई है कि उस छोटे से पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों से लेकर आसमान में ऊंचाई तक उड़ने वाले पक्षियों तक अनकेज द कमेंट गो अनकेस्ड फ्रीली फ्रीली दे कम एंड गो वो आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए मीन वेन एवर आई विश फॉर देम दे कम एंड देन दे गो बिकॉज ही इज नॉट सेटिंग एनी स्नेर ही इज नॉट केजिंग दैम ही इज नॉट ट्रैपिंग दैम तो ये पक्षी अपनी खुशी से जो है वो आते जाते हैं चाहे छोटे पक्षी हो चाहे बड़े और पोइट जब उनको देखता है तो पोइट को भी बहुत खुशी होती है एंड सो दन वर्ड वे आई सो रॉन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ओल्ड इंग्स इसीलिए पोइट कहता है सो द सन वर्ल्ड सन वर्ल्ड मतलब सूरज की तरफ टू वर्ड्स द सन सूरज की तरफ होने का मतलब इन द स्काई आई सोर ऑन द ईगल्स विंग सोर करना फ्लाई करना मैं भी ईगल की विंग्स पर बैठ कर फ्लाई करता हूँ दिस इज नॉट रियलिटी बल्कि ये इमेजिनेशन है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि उस पक्षी के पंखों पर विंग्स पर यानी पंखों पर बैठ कर मैं भी उड़ रहा हूँ एंड इन माई हार्ट ओल्ड एज द ब्लू टिथ सिंग्स और ब्लू बर्ड जो है उसका पूरा दिन जो है उसका गाना मेरे दिल में गूंजता रहता है वो पक्षी मानो पूरे दिन मेरे लिए गाना गा रहा हो और क्यों बिकॉज उसमें खुशी होती है उस उड़ने में खुशी है उस गाने में खुशी है एंड वाई बिकॉज दीज बर्ड्स आर फ्री सो पोइट्स एज कि सिर्फ ये पक्षी नहीं उड़ते बल्कि अपने इमेजिनेशन में मैं भी इनके साथ उड़ता हूँ और मेरे दिल ही दिल में ये पक्षी पूरा दिन गाना गाते रहते हैं यानी इनकी खुशी की आवाज़ जो है हरदम मेरे दिल में गूंजती रहती है सो स्टूडेंट्स थ्रू दिस वेरी स्मॉल पोएम द पोइट हैज कन्वेड द मैसेज दैट वी शुड नोट केज एनी एनिमल एंड बर्ड्स हमें पक्षी और जानवरों को फ्री छोड़ देना चाहिए पक्षी जो आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं और उनकी फ्रीडम जो है उनकी खुशी होती है और वो खुशी देखने वाले को भी महसूस होती है जैसे कि पोइट को महसूस हो रही है टफ वर्ड्स में स्नेयर इफ़ यू डोंट नो स्नेयर होता है एक तरह का जाल ब्लूटूथ बर्ड जिसकी फोटो दी गई है स्लो एक झाड़ी जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ अनकेस्ड मतलब फ्री डिलाइट मतलब हैप्पीनेस या खुशी सनवर्ड टूवर्ड्स द स्काई एंड सोर मतलब फ्लाई करना उड़ना अगर हम बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की तो ये थ्री स्टेंजाज जो हैं दे आर हैविंग द राइम स्कीम राइम स्कीम क्या होती है स्टूडेंट्स लास्ट वर्ड्स जब आपस में राइमिंग करते हैं जैसे स्नेयर स्नेयर को हमने ए साउंड दी फिर आया फ्री फ्री की साउंड अलग है स्नेयर जैसी नहीं है तो फ्री को ए नहीं कहेंगे फ्री को क्या कहेंगे बी फिर एयर एयर किसके जैसी है स्नेयर के जैसी तो स्नेयर क्या था ए स्नेयर और एयर क्या है ए ए और फ्री और मी क्या है बी बी तो राइम स्कीम क्या बन गई ए बी ए बी आगे सी डी सी डी ई एफ ई एफ ये राइम स्कीम है साथ ही साथ पोएम में यूज हुई है हुई है एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है अनुप्रास अलंकार वेन द नियर बाय वर्ड्स द सेम कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग्स जब आसपास के शब्दों की बिगिनिंग साउंड जो है वो सेम होती है कॉन्सोनेंट सेम होते हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाता है अनुप्रास अलंकार कहलाता है जैसे सेट नो स्नेयर सेट स्नेयर से शुरू है फ्लाइंग फ्री फ्लाइंग फ्री एफ से शुरू है तो ये जो है एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स है सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड द पोएम यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द पोएम द फिगर्स ऑफ स्पीच द टफ वर्ड मीनिंग्स यू हैव ऑल्सो गॉट सो कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग लिटरेचर थैंक यू स्टूडेंट्स